तो हेलो यार दोस्तों, कैसे आप सब ठीक हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम के हम कभी कभी 2 से 3 आईडी बना लेते हैं, कभी हम फेक आईडी बना लेते हैं कुछ काम के लिए, और फिर जब हम उसे यूज़ नहीं करते तो हम सोचते यार उस पुरानी आईडी को हम डिलीट कर दें। तो हम डिलीट करने जब इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो वहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन अभी नहीं मिलता है, क्योंकि जब से इंस्टाग्राम का नया अपडेट आया है तब से बहुत प्रॉब्लम हो रही है बहुत से लोगों को आईडी डिलीट करने के लिए। इंस्टाग्राम की जो आईडी होती है वो डिलीट करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो अगर हमें इंस्टाग्राम की आईडी डिलीट करनी है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे आपका जो इंस्टाग्राम का जो लोगो है अपने इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल लोगो पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अपने सेटिंग पे जाना है, ठीक है, अपने सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा हेल्प का, ठीक है, अपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन नज़र आएगा हेल्प सेंटर का, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आपने वेट करना, ये पेज ओपन हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ऑप्शन आ जाता था अकाउंट डिलीट करने का, लेकिन अब नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही पेज ओपन हो जाएगा ना हेल्प सेंटर का, अपने वापस यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेना। यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा, आप देख सकते मैनेज योर अकाउंट, अपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन देखो नज़र आ रहा आपको डिलीट योर अकाउंट का, ठीक है, अपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है हाउ डू आई डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा अपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना, ठीक है ना। पहले इजी था, थोड़ा चेंज हो चुका है जब से इंस्टाग्राम का अपडेट आया, जब से थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही पेज ओपन हो जाएगा तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा डिलीट योर अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे अपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, कॉलम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डिलीट क्यू अकाउंट करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप चूज़ नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बता दिया जाता है हमें हमारा अकाउंट कब तक डिलीट हो जाएगा वगैरह, तो यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। तो आपका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा वरना आपका अकाउंट जो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम पासवर्ड फटाफट एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही पासवर्ड एंटर करोगे फिर हम इसे कंफर्म करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे डिलीट, जो हमारा जो इंस्टाग्राम का जो यूज़र है वहाँ पे शो हो जाएगा, देखो ना अबे Tech288 जो लिख रहा है यूज़र नेम उसके आगे डिलीट है। जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डिलीट करना है तो ओके करना, ठीक है। तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट कब डिलीट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है ना 28 अप्रैल तक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 28 अप्रैल से पहले पहले हमें ये अकाउंट ओपन नहीं करना है। अगर बाई चांस हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारा अकाउंट वापस, मतलब जैसे हमने डिलीट किया है ना वापस ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी 28 अप्रैल तक हमें इसे ओपन नहीं करना है, ठीक है। जैसे अभी हम ओपन करेंगे तो ये हमारा अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो इंस्टाग्राम की तरफ से हमें 20 जो डेट मिलती है, 1 वीक का 2 वीक का 1 मंथ का जो भी टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर हमें इस अकाउंट को ओपन नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम उसे ओपन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली 20 अप्रैल के बाद ये हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, पूरा डाटा भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो हमें जो डेट दी गई थी 28 अप्रैल, उससे पहले अगर मैं लॉग ऑन करता हूँ तो ये वापस ही रीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अब सीख गए कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे डिलीट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।